आर वॉचिंग गली न्यूज। अरे भाई, मिलिंद जी ने, मिलिंद देवरा ने रिजाइन किया है, क्या कहना? अफसोसनाक ये खबर है और हम लोग को बड़ा अफसोस हुआ है, दुख हुआ है, क्योंकि देवरा फैमिली का, देवरा परिवार का कांग्रेस से पिछले 5 दशक का नाता रहा हुआ है, 50 साल से ज़्यादा का रिश्ता रहा हुआ है। और ऐसे वक्त पर जब आज पूरे मुल्क में कांग्रेस पार्टी मजबूती से एक लड़ाई लड़ रही है, और मिलिंद देवरा जी का ये फैसला और मिलिंद देवरा जी का ये जाना हम सब लोगों के लिए बड़ा है, दुख की। कितना फ़र्क पड़ेगा मुंबई की, आप राजनीति करते हो, कांग्रेस से बड़े नेता हुआ, मिलिंद देवरा के जाने से, क्योंकि साउथ मुंबई में मिलिंद का ही चेहरा देख के दिखा के, मतलब आप जो भी है वहाँ पे मिलिंद का चेहरा ही दिखा के कांग्रेस के लिए वोट इकट्ठा किए जाते थे, अब मिलिंद साथ में नहीं, मिलिंद अपोजिट में रहेंगे या जो भी रहेंगे एक्स वाई जेड। इसमें कोई शक नहीं कि मिलिंद देवरा जी एक बड़े एसेट थे, एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस का, सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं और हमेशा सामाजिक और धार्मिक अलग अलग तरह से लोगों से वो टच में रहा करते थे, एक डेवलपमेंट के लिए हमेशा लड़ाई लिया करते थे, उनकी एक जगह इस शहर में बनी थी। उनका जाना, मैंने जैसे पहले कहा कि बड़ी दुख की बात है और अफसोसनाक है। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस अपनी नीति कब बदलेंगे? अगर ऐसे नेता, मिलिंद जैसे नेता, जहाँ तक कि अगर कांग्रेस को देखा जाए तो इनको यंग ही कहा जाएगा, तो ये यंग कांग्रेस, जैसे सचिन पायलट है वो चले गए, मिलिंद चले गए, बहुत सारे नेता यंग जा रहे हैं, तो कांग्रेस कहाँ जा रही है? ये कुछ पॉलिसी चेंज होगी कि नहीं होगी? नहीं, अब तो पार्टी इसकी नोटिस जरूर ले रही है और पार्टी की तरफ से आ रहा है, ऐसे 100 मिलिंद आ गए तो भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जयराम जी ने कहा है। ठीक है, सबका अपना अपना स्टेटमेंट हो सकता है, अपना अपना अपनी सोच हो सकती है सबकी, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि मैं जहां तक समझता हूं ये अफसोस की बात है और दुख है उसका, मिलिंद देवरा जी के जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया।